सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं। राजस्थान के जोधपुर की विशेष अदालत ने विवादास्पद धर्मगुरु आसाराम को अपने शिष्य से रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आसाराम को अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही काटनी होगी। हालांकि आसाराम के वकील ने अदालत से कम सजा देने की अपील की थी। आसाराम के वकील ने अपने मुवक्किल के लिए कम से कम सजा देने की अपील की, उनकी बढ़ती उम्र का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने उनके साथ किसी भी तरह का रहम नहीं किया। उम्र कैद की सजा सुनते ही आसाराम कोर्टरूम में फूट फूट कर रोने लगे। आसाराम के वकील ने कहा है कि वो अदालत के इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। इसके साथ ही उसकी राजदार शिल्पी और शरद चंद को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं प्रमुख सेवादार शिवा और रसोईया प्रकाश को कोर्ट ने बरी कर दिया है। साल 2013 में आसाराम के खिलाफ यूपी के शाहजहांपुर की रहने वाली एक लड़की ने रेप का सनसनीखेज आरोप लगाया था। इस फैसले से पीड़िता के पिता खुश हैं। उन्होंने कहा है कि आसाराम दोषी करार दिया गया है, हमें न्याय मिला है, जिन्होंने हमारा साथ दिया उनका धन्यवाद, अब उम्मीद है कि उसे कड़ी सजा मिलेगी। आसाराम यौन उत्पीड़न के दो मामलों में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। एक मुकदमा यहां राजस्थान में चल रहा है जबकि दूसरा गुजरात में चल रहा है। उन्हें इंदौर में गिरफ्तार कर 1 सितंबर 2013 को जोधपुर लाया गया था। वह 2 सितंबर 2013 से न्यायिक हिरासत में है। विकास, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।